रैशनल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम सी लैंग्वेज में स्विच स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। इसके लिए मैंने सी लैंग्वेज स्टार्ट कर लिए और फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक किया। नई विंडो सामने आ गई और वॉइड मेन से मैं अपना प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है, इसलिए इसमें जो भी आप लिखें स्मॉल लेटर में लिखें, छोटे बी सी डी में लिखें। मैंने यहाँ पे INT का प्रयोग किया। INT एक कीवर्ड है जो कि वेरिएबल बनाने के लिए काम आता है। उसके बाद मैंने CLR SCR का प्रयोग किया जो स्क्रीन को क्लियर कर देगा, यानी स्क्रीन पर पिछला जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैंने printf का यूज़ किया यहाँ पर और इसमें लिखा एंटर द नंबर। ये स्क्रीन पर ऐसा कैसा प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा एंटर द नंबर। उसके बाद मैंने scanf का यूज़ किया यहाँ पर और उसमें %d क्योंकि इंटीजर फॉर्मेट में मुझे नंबर लेना इसीलिए यूज़ किया है, और रन टाइम में जो भी नंबर डालूँगा वो एक के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे स्विच का यूज़ किया। स्विच स्टेटमेंट क्या काम करता है, स्विच स्टेटमेंट रन टाइम में नंबर लेने के बाद में चेक करता है कि उस नंबर जो अभी हमने लिया है जिस वेरिएबल के अंदर है वो उससे कौन सी वैल्यू मैच हो रही है। अगर पर्टिकुलर एक वैल्यू मैच हो रही है तो उसके लिए फिर वो उसी के अनुसार कार्य करता है। तो यहाँ पे स्विच लिखा, स्विच के बाद में केस लिखा। यहाँ पर हम वैल्यू दे देंगे जिस वैल्यू को हम चेक कराना चाह रहे हैं। तो मैं एक प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ जहाँ पे अगर मैं 1 डालूँ तो जनवरी प्रिंट हो जाए, 2 डालूँ तो फरवरी प्रिंट हो जाए, तो इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने लिखा केस 1। अगर इस वेरिएबल ए के अंदर अगर 1 वैल्यू होगी रन टाइम में, अगर मैं 1 डालता हूँ तो प्रिंट टाइम में यहाँ पे मैंने मैसेज लिखा जनवरी, तो ये जनवरी प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद इसको रोकने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रेक का यूज़ किया। ब्रेक स्टेटमेंट कर्सर को रोक देगा वहीं पे। अगली स्टेटमेंट में चेक कर रहा हूँ यहाँ पे केस 2, यानी अगर वेरिएबल में 2 होगा तो printf में मैंने लिखा फरवरी, तो फरवरी प्रिंट हो जाएगा। और मान लीजिए अगर मैंने ना 1 डाला ना 2 डाला, कुछ और वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ डिफ़ॉल्ट का। तो डिफ़ॉल्ट एक कीवर्ड है जो चेक करता है अगर ऊपर वाली सारी स्टेटमेंट फॉल्स है, ऊपर वाली कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही, ना 1 ना 2 कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही, तो डिफ़ॉल्ट में जो मैंने लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट में मैंने लिखा इनवैलिड नंबर, तो स्क्रीन पर इनवैलिड नंबर प्रिंट होगा अगर मैं 1 या 2 नहीं डालता तो। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर्ली ब्रेस लगा के इसको बंद कर देता हूँ और अब गेट चेस लगा देते हैं। आउटपुट को रोक के रखने के लिए गेट चेस का प्रयोग किया मैंने यहाँ पे और लास्ट कर्ली ब्रेस, तो इस तरह से मैंने इसका यूज़ किया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, फाइल पे जाके सेव। मैं अपने मोहित नाम से इसको सेव कर देता हूँ। .c ज़रूर लगाएं। अब इसको चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है, कंपाइल कर लेते हैं। मैंने कंपाइल किया, इसमें देखिए 2 एरर बता रहा है यहाँ पे कि आपने सेमी कॉलन जो है केस स्टेटमेंट मिसिंग है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या गलती करी है मैंने। यहाँ पे मिस्टेक करी है, केस 1 और 2 के बाद में कॉलन का साइन आएगा, सेमी कॉलन नहीं आएगा, ये मिस्टेक है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और फिर से कंपाइल करते हैं। आप देखिए कोई एरर नहीं आया, 0 एरर बता रहा है। और अब मैं इसे रन करता हूँ, तो मैंने रन किया, एंटर द नंबर, मैंने 1 लिखा, एंटर किया तो जनवरी, तो पहली कंडीशन 2 हो गई। फिर से रन करते हैं, अब की बार मैं 2 डालता हूँ तो 2 डालने पर देखिए फरवरी प्रिंट हो गया, सेकंड स्टेटमेंट 2। और अगर मैं इसमें कोई और नंबर डाल देता हूँ, 3 या 4 कुछ भी डाल देता हूँ, तो इनवैलिड नंबर, तो डिफ़ॉल्ट वाली जो वैल्यू थी वो एग्जीक्यूट हो गई। तो इस तरह से मैं इस प्रोग्राम को उपयोग में ले सकता हूँ। अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा हो आपको तो मेरे पिछले वीडियो देखिए, उसको देखने पर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो सारे वीडियो मैं लगातार डाल रहा हूँ, आप उसे देखते रहिए समय समय पर। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।